वालेकुम सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हक हाँ में एक दुआ की है कि की मोहम्मद और आले मोहम्मद को इतना ही रिस्क देना कि उनके रोह का और जिस का रिश्ता जो है वो बाकी रह सके तो क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी एक्सट्रीम दुआ क्यों की जबकि उनका हर अमल जो है वो उम्मत में जाना था उसको फॉलो किया जाना था तो उन्होंने इतनी एक्सट्रीम दुआ क्यों की लाइक like मैं नबी पास की शिवा पढ़ रही हूँ तो मैंने हर चीज़ फॉलो करने की कोशिश की है। लेकिन मुझसे एक ये चीज़ फॉलो नहीं होती मतलब ये दुआ नहीं मांगी जाती मुझे ऐसा लगता है मैं ये दुआ मांगूंगी तो अल्लाह ताला जितनी भी नेमतें मुझे दी हैं वो सारी मुझसे वापस ले लेंगे और लाइक मेरी लाइफ ऐसे हो जाएगी जैसे नबी पास की थी उन्हें तीन दिन दिन के फाके करने पड़ते थे और जब खाना मिलता था तो वो नॉर्मल ही होता था बहुत अच्छा सवाल है आपका नाम मुबशरा है मुबशरा मुबशरा उनका मां ही खैर जवाब छुपा है जब जिस दिन आप भी असल में जाकर जन्नत को देख लेंगी ना और मामला देख लेंगी आप वही दुआ करेंगी जो नबी अल्लामा की छोटा जवाब यह है ठीक है समझीं मुबशरा जिस दिन आपने असल में जन्नत देख ली और देख लिया कि क्या मामला होता है जन्नत से पहले जाने का आखिरत के दिन का आपने भी खुदा की कसम वही दुआ करनी है अपने बच्चों के लिए हमने देखी नहीं हुई तो हम समझते हैं दुनिया में भी वही कुछ मिल जाए जो कि सब कुछ मिल रहा है और आखिरत में भी आसान समझ जवाब ये आपको छोटा जवाब दे रहा हूं बड़ा जवाब बहुत आसान है कि जब आपके ऊपर ऐसी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जो पूरी उम्मत के तमाम तर इंसानों के ऊपर आपकी एक, -एक चीज का अफेक्ट आता हो जो कि कोई और दुनिया में लीडर ऐसा पैदा नहीं होगा दोबारा तो ठीक है आखिर सलाम बस उनके ऊपर है जिम्मेदारी आख्याद का आखिरी बच्चा भी उनकी एक एक बात के ऊपर अफेक्ट हो रहा है ठीक है तो ऐसे मौके के ऊपर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को उस एक्सट्रीम के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट करते हैं सॉरी प्रेजेंट करते हैं पूरी उम्मत के सामने कि कहीं उम्मत का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर ये ना सोच ले कि मैं वो काम नहीं कर सकता जो ये कर सकते हैं बिकॉज इनके पास एक रुपया ज्यादा था इनके पास एक रिसोर्स का एलिमेंट ज्यादा था इनके पास एक फिजिकल मसल ज्यादा था लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर आखिरत से पैदा पैदा होने वाला आखिरी बच्चा भी अपने आप को उस प्लेइंग फील्ड के ऊपर उस मैदान के ऊपर लड़ा सकता है हुसैन लड़े ठीक है फातिमा रही है मैं आपको एक दिन का हजरत फातिमा का एक दिन का वाक्य पूरा का पूरा सुना दू सुबह से लेकर रात तक आज आप जितनी उम्र अगली उतनी उम्र आप रोती रहेंगी कि मैं मुझे कैसे वो जिंदा कैसे थी वो बंदी ठीक है आपको मैं बता नहीं सकता हूं फातिमा की लाइफ का हम इतने दूर जा चुके हैं इतने दूर जा चुके हैं हम कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैंने इतने मसलों में दुनिया के मसलों में इतने दुनिया के मसलों में एक औरत को जब देखना हो तो मैं फातमा तो, तो अपनी तस्वीर सामने लाता हूं एक ही लाइफ में इतने मसले एक औरत ने देखी क्यों क्योंकि म को आखिरी उम्मत के आखिरी उम्र के आखिरी बच्चे तक की रिप्रेजेंटेशन दी एक भी बच्ची यह ना बहाना करे कि मेरे पास यह कमी थी इसलिए मैं नहीं कर सकी ये लीडरशिप का तकाजा मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ये, बेसिक का। ये बनी गाला या जाति उम्र में बैठ के लीडरशिप नहीं होती होती लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को फ्रंट फेसिंग प्लेइंग फील्ड दी जाती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे लेवल के ऊपर आके वो सूल प्रैक्टिस कर रहा हूं जो असल में असली फलसफा जो है ना वो तुम्हें कामयाबी दिलवाएगा ये तो अल्लाह की कसम फिर अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम आखिरत दिन आके खुलेंगी कि कितना बड़ा मसला था हमारे पास पैसे थे कितना बड़ा मसला था कि मेरे पास पैसे हैं मुबशरा मैं आपको बता रहा हूं ये उस दिन पर चलेगा उस दिन इतनी अयाशी करेगा गरीब जिसको अल्लाह ने इस घर तक नहीं दिया था कि हम सोचेंगे कि ये इतना बड़ा तजाद इतना बड़ा तजाद था दुनिया में फलसफे का ठीक है मैं फिर आता हूँ वो सौ साल में साल 500 साल अंदाजा लगाए आज से पांच सौ साल पहले क्या हो रहा था वो जो बच्चा पैदा हुआ था ना आज से पांच सौ साल पहले वो आज आज तक वेट करेगा कि मेरा हिसाब कब शुरू हो सोचें जरा आपने हमने ना बहुत ईजी ले लिया हमें चूंकि अम्मा अब ने बचपन से बताया था कि

एक दफा इनविजन करके ऊपर अप्लाई अपने ऊपर अप्लाई करें आपको मैं मैं औरत नहीं हूं और उसके बावजूद मैं फील करता हूं मैं आपको बता नहीं सकता हूं मुझे समझ नहीं आती औरतों को फील क्यों नहीं होती फातिमा मैं आदमियों के बर्दाश्त नहीं कर सकता मगर बस यही है मामला मैंने आपसे कहा बस छोटा आंसर रैन में रखें जिस दिन आपको जन्नत अपने सामने आंखों के नजर आएगी ना 10 कदम के फासले पे जन्नत का दरवाजा और फिर नजर आएगा मामला क्या चल रहा था अपने बच्चों के ऊपर वो वाली दुआएं उसी वक्त बंद कर देंगे जो हम इस वक्त करते हैं वापस